तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा, इस गाने की शूटिंग यहीं दार्जिलिंग में हुई थी और अभी हम ठीक उसी जगह पर हैं जहां ये गाना फिल्माया गया था। लेकिन उस समय ये सब घर वगैरह नहीं थे। जाहिर सी बात है, समय के साथ कुछ न कुछ चीज़ें बदलती। दोस्तों, ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको जो हेरिटेज ट्रेन है, टॉय ट्रेन, वो आपको मिल जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, सिलीगुड़ी के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको दार्जिलिंग टूर के बारे में। मैं पिछले 2-3 दिन पहले दार्जिलिंग से लौटा हूँ और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप दार्जिलिंग कैसे विजिट कर पाएंगे, क्या क्या घूमना है आपको, क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आदि आदि बातें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, बात करें हवाई मार्ग से आने की, तो यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट, जिसकी दार्जिलिंग से दूरी है लगभग 70 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी, दोनों ही स्टेशन नज़दीक है 5 या 10 किलोमीटर के डिफर में। यहाँ से आपको दार्जिलिंग की दूरी पड़ेगी वही 40 से 50 किलोमीटर। आप दोनों ही माध्यम से दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुँचने के दो रास्ते हैं। या तो आप डायरेक्ट दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं, या इसके लिए दूसरा रास्ता है, आप पहले मिरिक होइए और मिरिक के बाद दार्जिलिंग जाइए। मैं अपने केस में, मैं पहले मिरिक में रुका था एक नाइट और उसके बाद मैं दार्जिलिंग पहुंचा। मेरे को ये जो है ज़्यादा बढ़िया लगा, और क्यों लगा वो आगे आप वीडियो में जानेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी स्टेशन से आपको शेयर में टैक्सी मिल जाएगी, या आप प्राइवेट गाड़ी कर सकते हैं। शेयर में अगर आप जाते हैं तो सुमो टाइप की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, जिसमें आपको 300 से लेकर 400 रुपया किराया देना पड़ेगा और आपको वो दार्जिलिंग छोड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप मिरिक से होकर जाना चाहते हैं तो मिरिक तक का आपका जो किराया है वो लगभग 200 रुपये पड़ेगा, लेकिन मिरिक के लिए आपको टैक्सी जो है वो सिलीगुड़ी जंक्शन से ही मिलेगी। बात करें अगर आप प्राइवेट गाड़ी करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग तक के लिए वो लगभग 2500 से 3000 पड़ेगी, जो एक छोटी कार होगी। और यदि आप मिरिक तक के लिए करते हैं तो 1500 से लेकर 2000 तक की पड़ेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से मिरिक के लिए, और रास्ते भर में आप जो है चाय के बड़े बड़े बागान देखते जाएंगे, आपका दिल जो है बिल्कुल खुश हो जाएगा। दोस्तों, आपको टैक्सी जो है मिरिक में झील के किनारे बिल्कुल यही जगह पर छोड़ेगा, और ये लगभग 3 घंटे की आपकी यात्रा होगी। दोस्तों, यहाँ फ्रेश होकर साइट सीन के लिए निकल जाइए। यहाँ पर भी आपको बढ़िया 8 से 10 बढ़िया साइट्स हैं जहाँ आप साइट सीन के लिए जा सकते हैं। आपको इसके लिए किराया लगभग देना पड़ेगा 1000 रुपये। यहाँ पर आपको रूम जो है 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। तो यह है मेरा होटल जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, देख सकते हैं वहाँ पर मेरा रूम है। और होटल का क्या नाम है, होटल का नाम है यहाँ लिखा है सुगर पाइन इन। देखिए, सिंगल बेडरूम 1000 है और मान के चलिए 20% के लगभग GST। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं साइट सीन के लिए। दोस्तों, मिरिक में आप साइट सीन के साथ साथ लोकल फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। खास करके लेक के किनारे जो लोकल फूड्स हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं और अलग होते हैं। दोस्तों, मिरिक साइट सीन की वीडियो अलग से मेरे चैनल पे आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप दिन भर बढ़िया से इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, और रात को बढ़िया रेस्ट कीजिए, और सुबह दार्जिलिंग निकलने के लिए आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजे है और यहाँ पर ठंड तो मस्त पड़ रही है। ये देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पानी पानी टाइप का है। ये देखिए, हाथ पे पानी आ गया मेरे, तो ठंड तो ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी यही मज़ा है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा से लैपटॉप हमारे यहाँ पर है, एडिटिंग करेंगे, और उसके बाद थोड़ा मैं घूमने जाऊँगा यहाँ देखने क्या क्या है, ऐसे ही फिर कहीं नाश्ता करूँगा, और उसके बाद फिर
9 बजे अपना शेयरिंग में टैक्सी है, वो मेरे को छोड़ेगी दार्जिलिंग। तो दोस्तों, मैं सुबह उठकर ऐसे ही मिरिक को सैर करने निकल गया, आसपास टहलने लगा, और उसके बाद ठीक 9 बजे मुझे मेरी टैक्सी मेरे दरवाजे पर खड़ी मिली। तो दोस्तों, अभी हम अपने होटल से जस्ट निकल रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको दार्जिलिंग के लिए और मिरिक से सिलीगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी से भी आपके लिए भी आपको टैक्सी मिल जाएगी। दोस्तों, मिरिक से जो दार्जिलिंग का सफ़र है ये भी आपको चाय के बागानों से लेकर जाएगी। मेरे जो ड्राइवर हैं उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर रास्ते में बहुत सारे आपके व्यू पॉइंट आते जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला है चाय का एक बागान जिसका नाम है। और दोस्तों, मैं हूं अभी गोपाल धारा टी गार्डन में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पूरा चाय का पूरा बगान लगा हुआ है, और वहां पर चाय तोड़ भी रहे हैं, पूरा चाय का खेती है। देख सकते हैं, ये यही जिंदगी है भाई, ऐसी जगह में आना ही मतलब जो है अपने आप में अनोखा होता है, अनूठा होता है। वाव, गोपाल धारा टी स्टेट। दोस्तों, आप यहां चाय का आनंद ले सकते हैं और उसके बाद अगले व्यू पॉइंट की ओर निकल जाइए। तो दोस्तों, हम लोग ये कहां है, ये इंडिया रोड, ये इंडिया है और ये नेपाल है। हम अभी इंडिया आ गए फिर नेपाल आ गए, अरे भाई वाह वाह वाह। तो दोस्तों, हम लोग अभी हैं नेपाल में और नेपाल हम घूमने आ गए हैं, और यहाँ पर है SSB का ऑफिस, सीमा सुरक्षा बल। अभी हमारे एक दो बच्चों को हुआ है SSB में, हम उनको बोलेंगे एक सीमा सुरक्षा बल में इधर ही पोस्टिंग लेकर के, ये ज़्यादा बढ़िया है। दोस्तों, आप चैनल में बने रहिए, ये नेपाल का व्यू यहाँ से बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन वो किसी और वीडियो में आएगी। फिलहाल आप यहाँ नेपाल बढ़िया से घूमिए, 1-2 घंटा एंजॉय कीजिए, और फिर यहाँ से निकल जाइए नेक्स्ट व्यू पॉइंट जो कि है पशुपति नगर भारत नेपाल बॉर्डर। तो दोस्तों, मैं हूं अभी नेपाल भारत बॉर्डर पर। इस सीमा पर एक जगह है और उस जगह का नाम है पशुपति नगर। आप यहां आधार कार्ड दिखाकर पशुपति नगर को आराम से 1-2 घंटा के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भाई साहब, हम लोग अभी नेपाल में घूम रहे हैं, यहां लकड़ी घर बना हुआ है, शीतल होटल गोरखा स्ट्रंग्स, और यहाँ ओमनी तो यहीं चल रही है पूरा। अरे भाई, और यहाँ पर आज भी हिंदी लैंग्वेज ही चल रहा है। अच्छा, तो भाई साहब देखिए, नेपाल में दुकान में क्या क्या मिल रहा है, ये सब बौद्धिस्ट रिलेटेड थिंग्स हैं लग रहा है, ये सब वही हैं, और ये कितना खूबसूरत है, हम ज़रूर 1-2 रखेंगे।
ये तो फ्री फायर है। इधर देखिए ये सब कलाकारी। तो भाई साहब यहाँ पर नेपाल में बहुत सारा चीज बिक रहा है। तो दीदी आप लोग नेपाल में है नहीं? हाँ, नेपाल में। अच्छा, तो आप लोग भारत तो आते जाते होंगे ना? भारत तो यहीं पर है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं यहाँ नहीं, उधर वहाँ भी जाते हैं। जाते हैं ना? हाँ। कैसा लगता है आपको भारत? अच्छा लगता है। हाँ, ये लीजिए। तो सब कुछ खरीदते हैं हम लोग। हाँ हाँ। कौन सा दिन है इस? ये कितने का? ये दो लेने से 25 रुपए। ये कितने का? एक ही। ये कितने का? 25। 25 की है? इधर से तो कस्टम है ना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो हम तो कस्टम है तो क्या हुआ? ये 25 की है ना? टैक्स लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, टैक्स देते हैं। अरे भाई हम 10-20 छोड़िए, 20 से 25 हजार टैक्स देते हैं हर साल, ये तो 10-20 रुपए वाली बात है। इसको दीजिए। आप कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ से आए भैया। छत्तीसगढ़? हाँ हाँ। आप लोग फैमिली आए? नहीं, विद फैमिली नहीं, सोलो। अच्छा, ये यहाँ बहुत सारे कबूतर है, कबूतर के खिलाने के लिए कुछ है आपके पास? कबूतर के लिए तो गेहूं खाता है, गेहूं तो नहीं है। गेहूं इधर से कुछ नहीं खाता? बिस्किट नहीं खाता? हाँ, बिस्किट नहीं खाता। कुछ इतने कि चावल खाता है। चावल और गेहूं, गेहूं है ना, गेहूं गेहूं रखे हो तुले ते? नहीं, गेहूं इधर तो वैसे तो नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है भैया, आप हमारे चैनल में आ रहे हैं। हाँ, एक बार बोलिए कि हम नेपाल से। भैया का के हम नेपाल से। आप छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ से। हाँ हाँ, अच्छे से घूम लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग अब पशुपति नगर से आगे निकल चुके हैं। रास्तों के दोनों तरफ आपको पाइन जो ट्री है उसका पूरा जंगल दिखाई देगा। कई जगह जो रोड है वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि रोड भारत में है और रोड के लेफ्ट साइड आपको नेपाल दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हमारा व्यू पॉइंट पड़ेगा, वो है सिमाना व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, हम पशुपति नगर से थोड़ा आगे आए हैं और ये है सिमाना व्यू पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे लोग रुकते हैं और रुकने का कारण है ये जो पीछे का जो व्यू पॉइंट है ना, वो जबरदस्त है। और भाई यहाँ पर है टी स्टॉल, ये तो हमारे टाइप वाली चाय बन रही क्या? चाय 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 पिलाइए चाय हमको। एक कप? एक ही प्रकार की चाय मिलती है, कई प्रकार की? हम तो एक ही प्रकार की बनाने आता है। क्या ये नेपाल है कि भारत है? तो क्या ये मजाक है भाई? ये साइड नेपाल है, रोड साइड इंडिया है। अच्छा, क्या इसमें कस्टम थोड़ी जुड़ेगा? तो भाई एक साथ दो देश में एक एक पैर को खड़े करके चाय पीने का क्या मजा होता है। ये मजा आ गया बोले ना। तो सच में ये जगह जो है भारत और नेपाल दोनों बॉर्डर को जोड़ती है, अर्थात हम जो है चाय दोनों देश मिलाकर पी रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ जो है घर जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं और बीच बीच में चाय के बागान भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमारा अगला जो स्पॉट होगा वो है जोर पोखरी।
तो भाई साहब अभी हम हैं जोर पोखरी टूरिस्ट लॉज और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोरखा लेन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन दार्जिलिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको तो उल्टा दिख रहा होगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम, और ये है नेपाल भारत का बॉर्डर मान के चलिए। अरे भाई यहाँ पर तो लेक है, झील में। अरे झील की खास बात यह है ये इतने ऊपर में है, लेकिन ये मेन मेड लगता है। तो अभी हम जोर पोखरी में, यहाँ पर लेक में कबूतर भी हैं, और आप मिरिक से दार्जिलिंग जाएंगे ना तो वो रास्ते पर पड़ेगा। दोस्तों ये जगह पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर है तो इसलिए बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर एक झील बना हुआ है और एक टूरिस्ट स्पॉट टाइप का डेवलप किया गया है। यहाँ पर एक भगवान शिव का मंदिर भी है और आस पास जो पाइन के ट्री हैं वो बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ पर जनरेट करते हैं। आप यहाँ आधा घंटा रुकिए और कुछ खाना है तो खाइए और उसके बाद फिर आगे निकल जाइए। दोस्तों अभी जो जगह हम पहुँच रहे हैं उस जगह का नाम है लिप्सा जगत, और यहाँ से दार्जिलिंग का व्यू जो है ज़बरदस्त होता है। और यदि मौसम साफ हुआ तो आपको कंचनजंगा जो माउंटेन है उसका भी व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। आप यहाँ ठहर भी सकते हैं, यहाँ बहुत सारे होम स्टे हैं जो ऐसी सर्विस देते हैं। तो मैं हूं अभी लिप्सा जगत में। आप देख सकते हैं यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है इसलिए सामने का व्यू उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा। दोस्तों जो सामने देख रहे हैं वो पूरा शहर जो है वैसे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो यहां से दार्जिलिंग का पूरा व्यू दिखता है बता रहे थे, लेकिन अभी चूंकि बादल है कहना चाहिए, बादल नहीं भाप का फॉग है। और यहाँ पर देखिए कितने मस्त मस्त जो होम स्टे बने हुए हैं, ये देखिए ये तो और जबरदस्त है, क्या सुंदर देखिए। और चारों तरफ बादल उड़ रहे हैं, यहाँ पर जमीन और बादल का कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा इधर चलते हैं, क्या क्या है बाकी। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब दूर से इतना ज़्यादा, पूरा रास्ता भर यहाँ होम स्टे है, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपको होम स्टे मिल जाएगा। यहाँ का फूल देखिए कितना अच्छा है, वाओ। ये तो देखिए जरा, वाओ। यहाँ से व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा फॉग जमा हुआ है इसलिए वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। हम यहाँ से सीधा दार्जिलिंग निकल गए। तो दोस्तों ये थी दार्जिलिंग टूर की फर्स्ट वीडियो, और इसका सेकेंड वीडियो आएगी जिसमें दार्जिलिंग में जो टूरिस्ट स्पॉट हैं या साइट्स हैं वहाँ की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।